बच्चों, आज हम क्लास थर्ड की मैथ में अभ्यास 4.2 करेंगे। सब बच्चे अपने मैथ की किताब और कॉपी निकाल लीजिए। इसमें देखो, किताब में सब बच्चे पेज नंबर 22 इधर लिखा है अभ्यास और इधर लिखा है एक्सरसाइज 4.2। मिला सबको? इसके वन नंबर पे उंगली रखो सब बच्चे। लिखा है जोड़िए, तो इसका ये देखो ए बी सी डी ई एफ छह सवाल है। ये आपको किताब में ही इनके प्लस करने हैं। ये आपका होमवर्क है। इसका अगला देखो टू नंबर, निम्नलिखित को स्तंभों में रखकर जोड़िए। इसका ए और बी देखो मैंने लिखा है स्तंभों में लिखकर, यानी कि एक के नीचे एक संख्या लिखकर हमें इनका प्लस करना है। ए में लिखा देखो 5638 प्लस 7366। तो पहले हम ये पहली वाली संख्या लिखेंगे 5638। एक संख्या लिखने के बाद दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी संख्या है प्लस या माइनस करते हैं। तो किधर से लिखनी है दूसरी संख्या? सीधे हाथ की तरफ से। इधर देखो इसमें 7666 लिखा, किधर से लिखेंगे ये संख्या? सीधे हाथ की तरफ से। इकाई के नीचे इकाई काम, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़े काम और हजार के नीचे हजार काम। लिखना ये लिखेंगे सिक्स सिक्स डी और ये टेन। तो इस तरह लिखकर हमें इनका क्या करना है? प्लस करना ही है। प्लस करेंगे देखो, आठ और छह को जोड़ो कितने हो गए? चौदह। चौदह का चार लिखेंगे ये वन कैरी। वन और थ्री फोर, फोर में सिक्स को जोड़ा कितने हो गए? टेन। टेन का जीरो लिखा। आप सेकंड क्लास में थे जब ये ऐसे लिखते थे बच्चों, ये 40 लिखते थे इस तरह। 40 का 4 ऊपर लिखा और 1 कैरी करते थे। तो ये 14 ऐसे ये नीचे नहीं लिखना है, सीधा नहीं लिखेंगे हम। ये 4 यहाँ लिखा और 1 3 पर कैरी करेंगे। ये आपको अब नहीं लिखना है नीचे का। ये 10 हो गया, तो 10 यहाँ पहले ये 10 नीचे नहीं लिखना है, सीधा 10 का ये 0 लिखेंगे और 1 6 पर कैरी करेंगे। सिक्स वन, सिक्स में वन को जोड़ा सेवन, सेवन में थ्री को जोड़ो कितने हो गए? टेन। टेन का ये फिर जीरो और वन, फाइव पर कैरी करेंगे। वन में फाइव को जोड़ा कितने हो गए? सिक्स। सिक्स में सेवन को जोड़ो थर्टीन। ये थर्टीन का थर्टीन लिखा। ये हो गया इसका ए। बी देखो पहली संख्या लिखेंगे 3472। इसके नीचे दूसरी संख्या लिखनी है, किधर से लिखना है? सीधे हाथ की तरफ से। ये लिखा 0954। कई बच्चे इस तरह लिखते हैं। ये लिखा पहली संख्या लिखी, फिर ये लिखते 4590। तो ये हमारा गलत है, किधर से लिखना है? सीधे हाथ की तरफ से। को प्लस करेंगे, टू में जीरो को जोड़ा क्या हो गया? टू लिखा। सेवन और नाइन को जोड़ो, सब बच्चे गिनो उंगलियों पर, और कितने हो गए? सिक्सटीन। सिक्सटीन का सिक्स यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे सिक्सटीन नहीं लिखना है, वापस से बता रही हूँ। वन फोर पर कैरी करेंगे, सीधा सिक्सटीन का सिक्स यहाँ लिखना है और वन ऊपर फोर पर कैरी करेंगे। वन में फाइव फोर को जोड़ो कितने हो गए? फाइव। फाइव में फाइव को जोड़ो टेन। टेन का जीरो लिखेंगे, ये वन कैरी। थ्री में वन को जोड़ा कितने हो गए? फोर। फोर में फोर को जोड़ो एट, लिखा एट। ये हो गया इसका बी। तो सब बच्चे पहले कॉपी में अभ्यास डालेंगे 4.2 और दूसरे का ए और बी। वीडियो पॉज करके पहले आपको ये लिखना है, इसके बाद देखो सी और डी, ये आपका होमवर्क है। थ्री नंबर पर उंगली रखो सब बच्चे। एक व्यापार में सुनीता ने 3452, बोलो सब बच्चे मेरे पीछे संख्या बोलो, ये 3452 रुपए, अंकुर ने 4520 रुपए तथा विनय ने 7750 रुपए लगाए। बताओ
बताओ तीनों ने कुल कितने रुपए लगाए। देखो बच्चों इसमें लिखा है कुल, सब बच्चे अपनी किताब में एक कुल के नीचे अंडरलाइन करो। पहले देखो ये किसने लगाए रुपए, सुनीता ने 3,452 रुपए लगाए। सुनीता के कितने, ये 3,452। फिर देखो आगे चलो, अंकुर ने 4,520 रुपए लगाए, ये अंकुर के हो गए। और फिर विनय, विनय ने कितने लगाए, 7,750 रुपए। अब ये सवाल कह रहा है कि तीनों ने, तीनों कौन, सुनीता अंकुर और विनय, तीन जने हो गए ना, तो इन तीनों ने कुल कितने रुपए लगाए। करा कुल के नीचे अंडरलाइन, जब भी कुल लिखा आता है तो क्या करना हमें, प्लस। इस सवाल में हम क्या करेंगे, प्लस। इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो पहले देखो किसने लगाए रुपए, किसका नाम है पहले, सुनीता। तो पहली लाइन क्या बनेगी, सुनीता ने, फिर देखो ये रुपए लगाए। सब बच्चे अपनी किताब में ऐसे अंडरलाइन करो इसके नीचे, सुनीता ने, और फिर ये रुपए लगाए। करो अंडरलाइन ऐसे, कितने रुपए लगाए, 3,452 रुपए। और फिर देखो दूसरा कौन है, अंकुर। तो दूसरी लाइन क्या बनेगी, अंकुर ने, और फिर ये वाले लाइन लिखेंगे रुपए लगाए। तो इसके नीचे भी अंडरलाइन करो, ये अंकुर ने फिर रुपए लगाए, कितने लगाए उसने, 4,520 रुपए। तीसरा कौन है, विनय। तो तीसरी लाइन क्या बनेगी, विनय ने फिर ये रुपए लगाए। करो इसके नीचे भी अंडरलाइन सब बच्चे। फिर चौथी लाइन बनेगी, देखो इधर, तीनों ने कुल, और फिर ये कितने नए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीनों ने कुल रुपए लगाए। आ गया समझ में, तो सब बच्चे मेरे साथ बोलकर लिखेंगे। पहली लाइन लिखो ये, सुनीता ने रुपए लगाए, बराबर लगाओ, कितने रुपए लगाए, देखो 3,452। तो लिखो यहाँ पर ये संख्या 3,452। दूसरी लाइन लिखो, देखकर लिखो किताब में सब बच्चे, अंकुर ने रुपए लगाए, बराबर कितने लगाए, 4,520। देखो यार संख्या देख के लिखेंगे सब बच्चे, इधर से लिखनी है सीधे हाथ की तरफ से, 4,520 कहाँ से लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ से इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखना है। लिखो सब बच्चे ऐसे, 0, 2, 5 और ये 4, 4,520। तीसरी लाइन लिखो, विनय ने रुपए लगाए, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, कितने लगाए, 7,750। इधर से लिखना है सीधे हाथ की तरफ से, लिखो ऐसे, 0, 5, 7 और ये 7, 7,750। तीसरी लाइन लिखेंगे, तीनों ने कुल रुपए लगाए, देखकर लिखो अपनी किताब में से, तीनों ने कुल रुपए लगाए। क्या करना है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ सब बच्चे, प्लस करेंगे, 2, 0, 0, इनको जोड़ो कितने हो गए, 2। लिखो ये सब, 5 और 2 को जोड़ो, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 में 5 को जोड़ो, 7 और 5 12। लिखो ये 2, 1 कैरी, 4 में 1 को जोड़ो, 5, 5 में 5 को जोड़ो, 10, 10 में 7 को जोड़ो, 17, 17 का क्या लिखेंगे, 7, और 1 3 पे कैरी करो, 1 में 3 को जोड़ो, 4 हो गए, 4 में 4 को जोड़ो, 8, 8 में 7 जोड़ो, कितने हो गए, 15, ये लिखेंगे 15। अब देखो बच्चों ये क्या है, रुपए है, तो हम यहाँ पर इकाई लगाएंगे रुपए।
देखो तीनों ने मिलकर कुल कितने रुपए लगाए, 15,722 रुपए। तो सब बच्चे अपना वीडियो पॉज करके दूसरे के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे और फिर 3 नंबर डालकर ये वाला सवाल आपके